सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महल्ला पंजवा विचारयो राम नाम तत्सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा खोजत खोज बिचारे ओ राम नाम तत्सारा केल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा त्रिपत मन पावे साधु अमृत बानी राहो मुकत भुगत जुगत सच पाइए सर्व सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूरन पुरख विधाता श्रवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याइए सोई करण कारण समरथ स्वामी जाते वृथा न कोई वड़े भाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला वड़े भाग रतन जन्म पाया करो कृपा कृपाला साध संग नानक गुण गावे सिमरे सदा गोपाला वाहे गुरु जी की फतेह। परम सन्मान अते सत्कार योग सतगुरु गरीब नवाज अंतर जामी सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ आप जी समूह गुरमुख माई पाई दूरों नेड़ियों चल करके धन धन श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे
पावन पवित्र अस्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे दर्शन दीदारे अते इशनान करन दे वास्ते बड़ी शरदा भावना दे नाल इस अस्थाना ते एकत्र होए हो। अमृत वेले सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक मीरान मीर पीरान पीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सांझे सुल्तान दे समरथ सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया ने प्रकाशवान हो करके सानू पावन पवित्र श्री मुख वाक की बख्शिश कीती है। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो रोजाना बख्शिश होए हुए हुक्मनामे की कथा विचार आप गुरमुख संगतां रल मिल करके इस पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब दीवान हाल विखे श्रवण करदे हो। अज दा भी पावन जो हुक्म सतगुरु पातशाह जी ने सानू बख्शिश कीता है आपां कुछ कु समय लई अपनियां मन बिरतियां नू एकागर करदिआं होइआं गुरु साहिब जी दे मुबारकबाद नाम बाणी रूप चरणा दा ध्यान रख करके प्यार सत्कार दे नाल कथा विचार श्रवण करनी है। सो आओ रसना नू करो पवित्र प्यार सत्कार दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सोरठ महला पंजवा सोरठ राग दे विच ए पावन जो शब्द है महला पंजवा पांजवें पातशाह शहीदां दे सरताज शांति दे पुंज नाम बाणी दे रसीए धन धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी दा उचारण कीता होया ए शब्द है। जिस पावन शब्द दे ताई श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे 611 अंग दे उपर स्थान प्राप्त है इस शब्द अंदर सतगुरु पातशाह जी ने अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू सर्वोत्तम जनाया है। आरंभ वाली पंक्ति दे अंदर सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करदे हन खोजत खोजत खोज बिचारयो सतगुरु पातशाह ने बचन इथे अंकित कीते ने खोजत खोजत खोज बिचारयो तीन वारी शब्द आ गया इसलिए पहली खोजत का अर्थ है मन करके बहुत सारी असी खोज करके वेखी है। कई चीजां एहो जीआं हुंदियां जिथे मनुख शरीर करके नहीं पहुंच सकदा ओ मन नू एकागर करके फिर एकाग्रता दे नाल चीजां दी खोज करदा है ते कुछ चीजां ऐसियां हुंदियां ते जिथे मनुख शरीर करके पहुंच जांदा ते ओ शरीर करके जाके वेखदा ओ जगह ते जाके खोज करदा है।
कुछ चीजा ऐसा होंदिया जेड़िया किसे दे नाल बाणी करके बचना दे नाल खोजिया जांदिया ने। किसे नाल बचना दी सांझ पावांगे उहदे विचों भी कुछ खोज मिलेगी। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु जी दे संबंध विच उस मालिक दे नाम दी जेड़ी खोज सी असी मन करके भी वेखी है, शरीर करके भी उस नाम की कमाई करके वेखना कीती, मन की एकाग्रता दे नाल भी उस दे नाम नू सिमरिया ते बाणी बचना करके भी नाम का बखियान किया है। जदों ऐसी खोज करके वेखना कीती तां खोज का अर्थ विद्वाना ने रास्ता भी किया। खोजदियां यह जिहड़ा खोज मार्ग रास्ता है यह दुनिया के अंदर असी बचारियों वेख लिया है। की वेखना कीता कि परमात्मा वाहिगुरु का जिहड़ा नाम है इस दे बराबर कोई वस्तु नहीं हो सकती है। मन दे नाल, बाणी दे नाल, शरीर दे नाल खोज करके यही विचार आई है। राम नाम तत सारा, जेड़ा राम रमिया होया परमेश्वर वाहिगुरु है, रवण रूप ते राम कहायो। राम बड़े ने दुनिया दे अंदर, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट मैं लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब हूं ते न्यारा, बड़े राम ने। परंतु ये जेड़ा राम शब्द है ये रवण रूप जेड़ा अकाल पुरख परमात्मा घट घट मैं हरजू बस है जिसनों कहा है, ओ परमेश्वर वाहिगुरु दे संबंध अंदर सतगुरु पातशाह कहिंदे रमे हुए परमात्मा दा जिहड़ा नाम है ये सारियां दे विच्चों तत् सिधांत, सारा दा अर्थ श्रोमणी सिधांत वेख्या है। नाम दे बराबर कुछ भी नहीं है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नामे ही ते सब किश हुआ खंड ब्रह्मांड शरीर, सो क्यों नाम बसारियो नित समार उठ तीर। परमेश्वर वाहिगुरु दा जिहड़ा नाम है सारियां तो सर्वोत्तम है। बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। ये अज तो नहीं, परमात्मा का नाम श्रोमणी पुराणिया युगों विच भी जे वेख लैना करिए, सतगुरु के पावन बचन असी गुरबाणी के अंदर पढ़ते हाँ, सत युग सत तेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। पुराने युगां दे अंदर सत युग दे अंदर सत प्रतगी लोग हुंदे, सच बोलदे सच दी किरत विरतो करिया करदे। त्रेता जगी जदों त्रेते दा समा आ गया उस विच उन्हां ने जग करना मुख रखिया भी पुन दान करो जग करो इहदे नाल ही कल्याण होवेगी। द्वापर पूजा चार जदों द्वापर दा समा आ गया उथे पूजा प्रधान हो गई, नारद कहे आसे पूज कराही। मूर्ति दा पूजन जेड़े ध्यान मूर्तियां दा रखवाना ये नारद मुनि तो प्रचलित होया। इसलिए तिन्ना युगां दे अंदर तां ये जेड़े ऐसे धर्म सन, परंतु अज कलयुग दे अंदर सतगुरु पातशाह कहिंदे तीनों युग तीनों दिड़े कल केवल नाम आधार। इथे जग पूजा नू कोई इस तरह दे नाल प्रधानता नहीं दिती गई ते कोई पुन दान कोई जग आदि करने पूजा करनी आ, परमेश्वर वाहिगुरु दे नाम जेड़ा है सारियां तो श्रोमणी है। वेख्या जावे तां कलंगी तर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने आनंदपुर साहिब दी पावन धरती ते जदों अपने तीरां दे नाल हमायूं पंछी दे खंभ ला करके तीर सतगुरु असमान वल नूं छड्डण लगे ने
ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਡਿੱਗਣਗੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੀਰ ਛੱਡੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਤੀਰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਹਾਰ ਹੰਭ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਆਪਨੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਤੀਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਕਲੰਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੰਘੋ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੰਭ ਲੱਗੇ ਹਵਾਂਜੂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਖੰਭ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਤਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਰੂਪ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਨਾਮ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤੱਤ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ, ਕਰਮ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨ। ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਅਭੇਦਤਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾ ਇਕੱਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤਾਂ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਕਰੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਪਾਸ਼ਨਾ, ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਫਲੀ ਹੈ ਜੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਂ। ਤੇਰਾ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ, ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਫਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਵੀ ਸਫਲੇ ਨੇ, ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੋਥੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਜਣਾਈ। ਨੰਗੇ ਚਰਨੀ ਗਏ ਹਨ, ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਉਹ ਸੁਭਾਏ ਮਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਸਨ,
कि आने वाले समय में कोई गुरबाणी के बराबर ना गुरु बन के बैठ जाए। सतगुरु पातशाह कहिंदे ना गुरसिखो, ए मेरे सतगुरु गुरु नानक साहिब दी पावन पवित्र गुरबाणी गुरु दा रिदा है, असी नंगे चरणी नाल पैदल चल करके जावांगे। दूसरी पालकी संगता ने तैयार करवाई, सतगुरु इस विच सवार हो जावो, सतगुरु दे बचन सन अपने गुरु दी कदे बराबरी नहीं करांगे। फिर इस अस्थान ते लिया करके सेंचियां रखियां, सारी रात कीर्तन होया, तंबू लगे ने रामसर दी पावन धरती ते, गुरबाणी 18:10-20 तक लिखाई गई है। फिर जदों गुरबाणी दा प्रकाश कीता गया सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे, उस तों बाद सुख आसन दी जिहड़ी जगह सतगुरु पातशाह ने चुनी है, गुरद्वारा कोठा साहिब जिथे अज भी सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो सतगुरु पातशाह दे सरूप जाके रात नूं सुख आसन कीते जांदे ने। उत्थे सतगुरां ने उच्चा पलंग लगवाया ते अपना जिहड़ा आसन किसे होर पलंग दे उपर किसे मंजे दे उपर नहीं लगवाया, सगों धरती ते हेठां सतगुरु जी ने चादर विछाई है। बचन कीते सिखा नूं मेरे सतगुरु गुरु नानक साहिब दा स्वरूप जिहड़ी बाणी है इह पलंग दे उपर तख्त दे उपर होवे ते मैं इस पावन गुरबाणी दा जिहड़ा सत्कार करना इसे ढंग दे नाल इस गुरबाणी दे हेठां अपना आसन ला करके आराम करां। इह सारियां सिख्या सानू सतगुरु पातशाह दे रहे ने। गुर परमेशर एको जान, गुरु परमात्मा दे अंदर कोई भेद फर्क नहीं, सानू सिख्या देण वास्ते कौतक कीते ने। अज भी वह सतगुरु पातशाह महाराज जी दी ऐसी जिहड़ी याद जदों हेठां चादर वल नज़र मारीए, धन गुरु अर्जन देव साहिब दी निम्रता सामने आ जांदी है। गुरु साहिब दी याद आउंदी भी देखो किन्ना सतगुरु पातशाह ने गुरबाणी दा अदब कीता, गुरबाणी दा सत्कार कीता, किन्ने नाम नूं सतगुरु जी ने विशेष जनाया है। ऐवें नहीं बचन सतगुरु जी ने कर दिते भी खोजत खोजत खोज विचारियो राम नाम तत सार। जो बचन गुरबाणी दे अंदर सतगुरु जी ने लिखे अंकित कीते ने पहला जिंदगी विच उठाले हन। एक एक बचन सतगुरु ने जो कमाया है फिर उसनू लिखती रूप गुरबाणी दा दिता गया। इसलिए कर्म उपासना ज्ञान ए भी तेरे कीते साधन तां सफले ने जे एक परमात्मा दे नाम नू तू जपना करे। राम रमे हुए परमात्मा दा जिहड़ा नाम है ए तत सारिया तो सिधांत सारा श्रोमणी है। नाम दे बराबर ना कोई वस्तु पिछे पुजी है ते ना कोई अगे नू होवेगी। अवतारी पुरखां दे शरीर भी होए सत्कार योग ने अवतारी पुरख, परंतु नाम दे बराबर उन्हां दे शरीर भी नहीं हो सकते। कोई किड्डा वड्डा मनुख क्यों ना होवे, उच्ची अवस्था वाला भी क्यों ना बन जावे, परंतु नाम दे बराबर शरीर करके नहीं कोई पुज सकता। किसे मनुख नूं बुलाउणा होवे उहदे दरवाजे ते जा करके उहदा नाम लै दिओ, जदों नाम लैके आवाज मारांगे तां देखो जिहड़ा मनुख दा किड्डा वड्डा शरीर है इक नाम ने लिया के दरवाजे ते खड़ा कर देना। जे कोई नाम लवेगा ही नहीं ते किहड़ा मनुख अंदरों दरवाजे ते आ जावेगा। परमेशर वाहिगुरु जिहड़ा मेरा मालक कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्ब जियां का दाता रे, एडे वड्डे मालक परमात्मा नूं जे तू मिलना चाहुंना तां उहदा भी नाम जपना शुरू कर दे। कबीर केसो केसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिवस के कूकणे कबहू कै सुणे पुकार। जपी चल वाहिगुरु गुर मंत्र मूल मंत्र दा करी चल जिंदगी विच अभ्यास, जदों मालक दे अंदर मेहर पै गई एक खिन विच ही तैनू दीदार बख्शिश करके नदरों नदर निहाल कर देवेगा। जो भी सिख ने कोई कर्म करना परमात्मा दे नाम दे नाल ही शुरू करना है।
परमात्मा वाहिगुरु जी का नाम सारिया विचों सारा श्रेष्ठ है उत्तम है। किल बिख कांटे निमख अरादिया हुण नाम नू जपन दियां सतगुरु पातशाह बरकतां दसदे ने। असी कह दिंदे जी नाम जप के की हो जावेगा, नाम सिमरन क्यों करना जरूरी है, एदे नाल की मिल जावेगा। धन गुरु अर्जन देव साहिब महाराज कहिंदे जिन्हां गुरमुखां ने निमख अराध्या। निमख दा अर्थ हुंदा अख खोलण ते मीचण, नेत्र दियां पलकां झमकण दा समां निमख हुंदा है। सो इन्ने को थोड़े समय विच भी जिसने एकाग्रता दे नाल नाम दा आराधन कीता, चिंतन कीता, उहदा फल की मिलिया? किल विख काटे। किल विख दा अर्थ हुंदा बजर पाप। किल निश्चय करके विख जिहड़े जहर वर्गे बजर पाप ने, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਟੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਰ ਬੱਜਰ ਪਾਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕੈਲੀ, ਘਾਤ, ਕੰਜਕਾ, ਅਣਚਾਰੀ ਕਾ ਧਾਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ब्रह्म दा ज्ञान जी नूं हो गया, किसे ब्रह्म ज्ञानी दा कतल कर देना, ये बजर पाप गुरबाणी ने मन्या है। दूसरे नंबर ते ब्राह्मण कैली, कैली दा अर्थ किसे गऊ दा कतल कर देना। तीसरे नंबर ते कंजका नाम है किसे लड़की नूं मार देना, किसे लड़की दा कतल कर देना। अणचारी का धान, निगुरे बंदे दा, दुष्ट बंदे दे हत्थां दा खा लेना, ये चार गुरबाणी ने बजर पाप मन्ने ने। जे किते ये बजर पाप भी किसे कोलों हो गए होण ते फिर इन्हां तों छुटकारा पाण दे वास्ते की करे, एक परमात्मा दा नाम जपना शुरू कर देवे। ओ जेड़ा ऐसा नाम है फिर ओ किवें पापां नूं कट दिंदा। सतगुरु पातशाह जी कहिंदे घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्रंग महाबिख्यादंग मिटांत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत। जिस तरह पावक जिहड़ी कोई अग्नि है, काष्ट लकड़ा होण, मना मूह होण, चाहे क्वेंटलां दे विच पईआं होण, चाहे लखां कोहां दा जंगल भी क्यों ना खड़ा होवे, इको अग्नि दा चंगियाड़ा बहुत है। जदों लकड़ नूं अग चढ़ जांदी है उस वेले नहीं वेखदी ये छोटियां ने, ये वड्डियां ने, ये कम आउण वालियां, ये निसफल ने, सारियां नूं साड़ के सुआह बना दिंदी है। परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम दी किते चंगियाड़ी अंदर आ करके बस जावे, किन का एक जिस जी बसावे ताकि महिमा गनी ना आवे। फिर नाम ने नहीं वेखना, इन्हें समान पाप कीते ने, इन्हें बजर पाप कीते ने। सतगुरु पातशाह कहिंदे किल विख काटे निमख अराध्या। एक निमख मात्र थोड़ा समा भी एकाग्रता दे नाल किसे ने नाम दा चिंतन कर लिया, उहदे किलविख जिहड़े बजर पाप ने ਉਹ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ